पूजा खेडकर की बढ़ती हुई मुश्किलों की। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि आईएएस की परीक्षा लेने वाले आयोग यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूजा पर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी। यूपीएससी ने पूजा खेडकर को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। पूजा मैम कुछ कहेंगी? मैम कुछ कहेंगी? ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर भागने की कोशिश करी है मीडिया से, सवालों से और आरोपों से, लेकिन उन पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की जांच खुद दिल्ली पुलिस करेगी। यूपीएससी के दस्तावेजों के मुताबिक पूजा खेडकर ने अपनी पहचान बदलकर तय संख्या से ज्यादा बार परीक्षा दी। उन्होंने अपना नाम बदला, अपने माता पिता का नाम भी बदला, उन्होंने अपनी तस्वीर बदली और ईमेल आईडी भी बदली, फोन नंबर भी बदला और पता तक बदल डाला। आईएएस की परीक्षा लेने वाले आयोग यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नोटिस भेजा है और पूछा है कि क्यों ना उनकी पात्रता रद्द कर दी जाए और भविष्य में उन्हें किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोका जाए। पूजा खेडकर ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए यशवंत राव चव्हाण अस्पताल में एक फैक्ट्री का पता दिया था। आपको आज तक ने दिखाया कि वो फैक्ट्री बंद पड़ी है, वहाँ सन्नाटा पसरा है। इसी पते पर पूजा खेडकर ने राशन कार्ड भी बनवाया था, जिस ऑडी कार पर लाल बत्ती लगने की वजह से पूजा के फर्जी बाड़े का खुलासा हुआ, वो कार भी इसी पते पर रजिस्टर्ड है। आज तक पर खबर दिखने के बाद पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने उसे अवैध बताकर सील कर दिया है। पूजा खेडकर के यूपीएससी के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे, लेकिन उनको अटेम्प्ट्स बढ़ाकर मिले और वो वापस से यूपीएससी दे सके, इसीलिए पूजा खेडकर ने बहुत सारे उलट फेर किए। जैसे कि पूजा खेडकर ने उनके माता और पिता का नाम बदला, उन्होंने अटेम्प्ट्स ज्यादा मिले इसीलिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाए। मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का हवाला देकर पूजा खेडकर ने यूपीएससी एग्जाम दी और आईएएस बनी। इतना ही नहीं, पूजा खेडकर ने हर बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलग अलग पते पर बनवाए। उनकी एक कंपनी थी जिस कंपनी के एड्रेस पर ऑडी कार रजिस्टर्ड थी, जिस पर लाल बत्ती लगाने को लेकर मामला सामने आया था, उसी कंपनी के एड्रेस पर एक राशन कार्ड बनाया था और उसी पते पर पूजा खेडकर ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी बनवाए थे। यानी कंपनी कमर्शियल थी लेकिन पूजा खेडकर ने उसे रेसिडेंशियल बताया। तो वहीं अपने जन्म तारीख को भी लेकर पूजा खेडकर ने काफी फेरबदल किए। यही सारी चीजें सामने आने के बाद यूपीएससी कमेटी ने पूजा खेडकर को शो कॉज नोटिस दिया। आज तो ध्यान में आया है कल से ही कि वो अनऑथराइज बिल्डिंग है, अभी बाकी का कार्रवाई वो एज पर लॉ हम शुरू करेंगे। और हमारे कॉर्पोरेशन से तो उन्होंने कोई ऐसा बिल्डिंग परमिशन पहले भी नहीं लिया है, तो जाहिर है कि वो एक इल्लीगल बिल्डिंग है, आज की डेट में तो इल्लीगल। इस बीच वाशिम के सर्किट हाउस में पूजा खेडकर से मिलने एक महिला पुलिस अधिकारी पहुंची। पता चला उन्हें पुणे पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए दूसरी बार बुलाया है। पहली बार 18 जुलाई को बुलाया था लेकिन वो गई नहीं, लिहाजा अब उन्हें 20 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराना है। दरअसल पूजा खेडकर ने पुणे डीएम के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की है, जिसकी जाँच पुणे पुलिस कर रही है। उसी मामले में पूजा खेडकर को बयान दर्ज कराना है। I haven't received any complaint copy, so I don't have any version. So these are all. Thank you very much. पूजा खेडकर को मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में वापस जाना है, लेकिन वो कब वापस जाएंगी और कब तक वाशिम में रहेंगी, इस बारे में फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऑफिस का आप ऑफिस की बात है, ये कुछ नोटिस सर दिया गया है। नोटिस के संदर्भ में सर आए हैं, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हमारे। तो आप ये बताइए सर, कोई नोटिस सर किया गया? सर कोई नोटिस सर किया गया? अशोक जी, अशोक चौहान जी, कोई नोटिस सर किया? नहीं, नोटिस सर किया। हां, किसी तरह का नोटिस मुंह पर रख ले। पूजा खेडकर के पिता का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। पुणे पुलिस उन्हें तलाश रही है, लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है। वाशिम से दीपेश त्रिपाठी के साथ ओंकार बाबली, पुणे आज तक।